नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 3 दिन का पहला फेज शुरू हो गया है। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा 105वें दिन राजस्थान के साथ लगते नू मेवात जिले में पड़ने वाले मुंडका बॉर्डर के जरिए हरियाणा में प्रवेश कर 3 दिन का पहला फेज शुरू हो गया है। हरियाणा में यात्रा का यह पहला फेज है जिसमें यात्रा 3 दिन में 3 जिलों से होकर गुजर रही है। हर जिले में 1 दिन यात्रा का ठहराव होगा। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर नू में भारत जोड़ो यात्रा की फ्लैग सेरेमनी हुई। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की अगुवाई में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयवान और उपेंद्र हुड्डा को फ्लैग सौंपा गया। राहुल ने हुड्डा को थमाया तिरंगा। फ्लैग सेरेमनी के दौरान हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद राहुल ने बढ़ा दिया। हुआ यूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयवान को तिरंगा देने लगे तो राहुल ने उसे हुड्डा के हाथों में थमा दिया। इसे देख रहे सभी यह तो समझ गए कि रणदीप सुरजेवाला और शैलजा को दूसरे राज्यों के प्रभारी बनाए जाने के बाद अब हरियाणा में हुड्डा का राज नहीं चलेगा। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।